अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं लाहौरी चरगा। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें से है, एक टेबलस्पून आपको चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, एक टेबलस्पून आपको चाहिए लाल मिर्च, एक टीस्पून चाहिए आपको हल्दी, हाफ टी स्पून आपको चाहिए रेड चिली जो क्रश हुई होती है, हाफ टेबल स्पून आपको चाहिए गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून आपको चाहिए काली मिर्च, एक टीस्पून आपको चाहिए नमक और 3 टेबलस्पून आपको चाहिए चरगा मसाला। ये आप किसी भी लोकल भी यूज कर सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। और हमें चाहिए 2 टेबलस्पून लेमन और ऑलमोस्ट हाफ कप हमें चाहिए योगर्ट। अब हम इन सब मसालों को एक साथ मिक्स करेंगे। सबसे पहले इसमें दही डालेंगे, फिर हम सारे मसाला जात इसमें शामिल कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काली मिर्च, क्रश चिली मसाला, लाल मिर्च, सब कुछ हमने इसमें मिक्स कर देना है। फिर हमने इसमें लेमन का जूस डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करना है कि जैसे ये पेस्ट बन जाए और फिर हम इसको अपने चिकन पे लगा देंगे। हमने ये पेस्ट बना लिया है, अब हम इसको अपने चिकन पे लगाएंगे। इस पे मसाला लगाने लगे हैं। अब हमने इसके अंदर बाहर हर तरफ अच्छी तरह से मसाला लगाना है। मसाला इस तरह से लगाना है कि चारों तरफ हर तरफ लगाना है। अब हम उल्टी तरफ भी लगाएंगे मसाला। अच्छे तरीके से चारों तरफ कट्स के अंदर भी हर तरफ से हम लगा लेंगे मसाला। अब हमने मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है चारों तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, अच्छी तरह से मैरिनेट होने देंगे। लेकिन अगर आपने ज़्यादा अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो आप इसको एक दिन पहले मसाला लगा के रख सकते हैं और नेक्स्ट डे को। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे तरीके से स्टीम रोस्ट हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे। अब आप ये देखें कि ये कितना अच्छा कलर आया हुआ है। हमने 5 मिनट एक साइड से फ्राई करना है और 5 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी स्टीम किया हुआ है, तो बस 5-5 मिनट फ्राई करना है। अब देखें हमारा लाहौरी चरगा तैयार है और देखें कितना अच्छा इस पर कलर आया है।